हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम उम्र निकालना सीखेंगे। अगर किसी व्यक्ति की जन्म तिथि दिया हुआ है तो आज की तिथि में या किसी भी तिथि में उसका उम्र क्या होगा वो हम लोग निकालेंगे। तो देखिए, यहाँ पे किसी व्यक्ति की जन्म तिथि दिया हुआ है 16 अप्रैल 2005, तो आज की तिथि यानी 28 नवंबर 2022 को उसका उम्र क्या होगा। तो सबसे पहले ये दिन, माह और वर्ष को हमें क्रम में सजा लेना है। उसके बाद हमको ऊपर से नीचे वियोग करना है। तो सबसे पहले दिन को हम लोग वियोग करेंगे, फिर माह को, फिर वर्ष को। तो दिन है 28 तारीख है, उसको 16 से हमको वियोग करना है। तो क्या मिलेगा, अगर 28 को 6 से वियोग करेंगे तो मुझे मिलेगा 2, और 2 में से 1 गया तो हमको मिलेगा 1, यानी 12 दिन। उसके बाद माह में 11 माह और 4 से हमको वियोग करना है। तो 11 में से 4 गया तो हमको मिलेगा 7। फिर उसके बाद वर्ष को 2022 और 2005 को हमको वियोग करना है। तो पहले 12 में से 5 गया तो क्या होगा, 7, और यहाँ पे 1। तो उस व्यक्ति का 28 नवंबर को उम्र हो, 2022 को उम्र होगा 17 वर्ष 7 माह 12 दिन। तो हमें नीचे भी उसी तरह घटाना है। यहाँ पे जन्म तिथि दिया हुआ है 25/7/2006, 25 जुलाई 2006, और 8/3/2022 में, यानी 8 मार्च 2022 में उस व्यक्ति का उम्र क्या होगा। तो सबसे पहले दिन, माह और वर्ष को हम लोग क्रम में सजा लिए, ये दिन, माह और वर्ष को क्रम में सजा लिए, और यहाँ पे हमें हासिल लेकर वियोग करना है। तो देखिए, यहाँ पे 8 से 25 नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे, ये पास से एक हासिल लेंगे। तो यहाँ माह है, तो माह अगर दिन को हासिल देगा तो या तो वो 30 में देगा, या 31 में देगा, या 29 में देगा, या 28 में, अगर लीप ईयर होगा तो 28 या 29 होगा, और ऐसे 30 या 31। तो 30 होगा या 31 होगा कैसे समझेंगे, तो देखिए 3 है, 3 यानी मार्च, मार्च महीना हमेशा 31 का होता है। तो यहाँ पे ये जो हासिल देगा इसको दिन को, तो देगा 31 दिन देगा पूरा। अब देखिए 31 और 8 मिलके कितना हो गया, 39, ये 39 हो गया, और 39 से अगर 25 अगर वियोग देंगे तो कितना होगा, 9 में से 5 गया 4, 3 से 2 गया 1, यानी 14। तो यहाँ पे पूरे 14 दिन हमें मिले, 14 दिन। उसके बाद ये माह था, एक दे दिया था, एक माह इसको दे दिया, अब यहाँ रह गया कितना, 2 माह। तो 2 से 7 नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे, ये वर्ष से हम लोग एक लेंगे। तो वर्ष अगर माह को हासिल देगा तो पूरे 12 देगा, एक वर्ष में 12 महीना होता है, तो पूरे 12 महीना देगा। तो ये 2022 इसको एक वर्ष दिया तो कितना होगा, यहाँ पे पूरे 12 महीना इसको दिया। तो यहाँ पे 12 और 2 था, 12 2 हो गया 14। तो 14 से 7 जाएगा, तो 14 से 7 अगर वियोग करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, मिलेगा हमें 7 मिलेगा। तो हो गया 7 माह। अब देखिए यहाँ पर 2022 था, एक वर्ष इसको दे दिया था, यानी यहाँ पर हो गया 2021। तो 2021 से अगर हम 2006 वियोग करेंगे, 2021 से अगर 2006 अगर लोग वियोग करेंगे तो कितना मिलेगा, 11 से 6 जाएगा तो 5, और यहाँ पे 1, यानी 15 वर्ष हमें यहाँ पे पूरे 15 वर्ष मिले। तो उस व्यक्ति का 8 मार्च 2022 में उसका उम्र होगा 15 वर्ष 7 माह 14 दिन। तो इस तरह हम लोग किसी भी व्यक्ति का उम्र किसी भी तिथि या समय में निकालते हैं। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।